हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, मैं रोहित सिंह, यू आर वॉचिंग ऑफिशियल यूट्यूब चैनल बटल फॉर एसएससी फॉर प्रिपरेशंस। इस वीडियो में बात करेंगे यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2021 के विषय में। एक बुरी खबर कह सकते हैं, या फिर शासन का या उत्तर प्रदेश सरकार का एक घटिया रवैया कह सकते हैं, क्योंकि यूपी बीएड में 2 साल का फीस लगता था 81,000 समथिंग, ठीक है, 81,000 समथिंग लगता था। अब उन्होंने एक डिमांड आया कि भाई फीस को कम कर दिया जाए। जब सरकार को फीस कम नहीं करना था तो ऐसा फिर न्यूज़पेपर में हर जगह प्रसारित करने की ज़रूरत ही क्या था। तो अब क्या हुआ, न्यूज़ क्या आया कि जो फीस आप लोगों को 11,000 रिड्यूस होने वाला था, वो अब 70,000 आप लोग को देना पड़ता, लेकिन वो फिर से 81,000 ही कर दिया गया। तो उसको यूनिवर्सिटी ने निरस्त कर दिया है। तो वो मैं आपको आर्टिकल लगा दूंगा। तो ये तो मतलब बेकार न्यूज़ है, बिल्कुल बेकार न्यूज़ है। दूसरी चीज, एग्जामिनेशंस को लेकर काफ़ी इसमें माहौल चल रहा है, क्योंकि कई सारे जैसे हिंदुस्तान और कई सारे न्यूज़पेपर में ये निकाला था, कल के आर्टिकल में ये निकला था कि जो आपका एग्ज़ाम है यूपी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, वो रद्द हो सकता है। लेकिन मैंने उस वीडियो में भी कहा था कि इसके चांसेस बहुत कम हैं। ये कोई 12th या 10th का एग्जामिनेशन नहीं है। मान के चलिए आप, या फिर जेई का एग्ज़ाम है या फिर नीट का एग्जामिनेशन है, तो क्या कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम कैंसिल होता है इस तरीके से? बिल्कुल कैंसिल नहीं होता है। एंट्रेंस एग्ज़ाम एक अलग चीज़ होता है और आपकी एकेडमिक जो होती है वो चीज़ अलग हो जाता है। एंट्रेंस एग्ज़ाम पे बहुत सारा चीज़ें निर्भर करता है। तो ये कैंसिल नहीं होने वाला है 100%, ये तो श्योर था। उस वीडियो में मैंने बताया था, इस वीडियो में भी बता रहा हूँ। और बहुत ज़्यादा आप विश्वास नहीं कर सकते न्यूज़पेपर्स या किसी भी चैनल्स के न्यूज़ पे, उतना ज़्यादा ऑथेंटिक न्यूज़ नहीं। अगर आप डायरेक्ट यूनिवर्सिटी से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, यूनिवर्सिटी लखनऊ यूनिवर्सिटी भी जाएगा तो नंबर वहाँ पे है, आप लोग भी बात कर सकते हैं। जो मुझे खबरें मिली वहाँ पे, जो संपर्क मैंने किया, तो उससे ये न्यूज़ था कि हाँ भाई जुलाई में आपका पेपर कंडक्ट, लास्ट जुलाई में कंडक्ट कराने की संभावना बन रही थी। लेकिन अभी जो न्यूज़ है वो है कि भाई आपका अगस्त में ही हो सकता है। तो एक न्यूज़ ये भी निकल गया है कि भाई 29 जुलाई में हो सकता है एग्ज़ाम, लेकिन 29 जुलाई में हो या फिर अगस्त के फर्स्ट वीक में हो, बात उतना ही है। तो एटलीस्ट आपको 2 महीने अभी भी मिलते हैं, जून है जुलाई, उसके बाद अगस्त, या जुलाई के लास्ट में होता है, जून के फर्स्ट वीक में होता है, लेकिन एग्ज़ाम आपका होगा, कैंसिलेशन का कोई चांस नहीं है। तो यह बिल्कुल एक ऑथेंटिक न्यूज़ है। और हाँ, इस समय क्या होगा कि हर किसी न किसी दिन आपको कुछ ना कुछ न्यूज़ मिलता रहेगा यूपी बीएड से संबंधित, किसी एग्ज़ाम से संबंधित, और न्यूज़पेपर्स में आर्टिकल निकलता रहता है। उनका सोर्स क्या है वो तो हम लोग नहीं बता सकते हैं, उनका अलग सोर्स होता है। और लेकिन यूपी बीएड के लिए भी जो भी रियल ऑथेंटिक न्यूज़ होगा या छोटी बड़ी जो भी खबर होगा उसको मैं आपको बताता रहूँगा। और इस चैनल पर ना केवल मैं आपको जानकारी प्रोवाइड कर रहा हूँ, बल्कि आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन भी करवा रहा हूँ, जैसे कि आपका हिंदी हो गया, जीएस हो गया और रीजनिंग हो गया, और आने वाले समय में करंट अफेयर में हिंदी का आप लोगों का टेस्ट करवाता हूँ। उस टेस्ट को आप लोग डेली देखा करो और लाइक भी किया करो, शेयर भी किया करो, क्योंकि आपके थोड़े बहुत सहयोग से मेरे चैनल जो होगा वो ऊपर उठेगा। क्योंकि ऐसा क्या हुआ है कि यूट्यूब वैसे भी रिकमेंडेशन नहीं करता है, नोटिफिकेशन आप लोगों ने बेल आइकन किया है लेकिन वो बेल आइकन प्रेस नहीं किया है, क्या मिस्टेक है, वो नोटिफिकेशन पहुंचता नहीं है आप तक। तो आप लोग की थोड़ी सी शेयर कर सकते हैं आप लोग, और कुछ कमेंट करना है या किसी सब्जेक्ट पर, किसी टॉपिक पर आपको वीडियोज़ बनवाना है, आपको कुछ थ्योरी, आपको क्वेश्चन कवर करना है एंट्रेंस एग्जामिनेशन संबंधित, तो वो सब भी आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको डेफिनेटली प्रोवाइड कराऊंगा। एंड यही एक न्यूज़ था कि एग्ज़ाम कैंसिल नहीं होगा, ये अफवाह है एक प्रकार से, और इसको मैं खारिज करता हूँ। और 100% जो एग्ज़ाम है वो जुलाई के अंत में या फिर आपका अगस्त के फर्स्ट वीक में 100% मिल जाएगा, और जून के लास्ट में, इस महीने के लास्ट तक आपको बिल्कुल रियल ऑथेंटिक यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको न्यूज़ मिल जाएगा। और इस चैनल से आप जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स।